दोस्तों इस वीडियो को देखा आप लोगों ने। गाज़ा में एक बूढ़ी औरत बारिश के दौरान अल्लाह से मदद के लिए दुआएं मांग रही है और अल्लाह को बता रही है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं वो कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है, अब तू ही हमारी मदद करने वाला है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं बारिश आ रही है और बारिश के दौरान ही एक बूढ़ी औरत अल्लाह से दुआ मांग रही है। आपको बता दूं दोस्तों, इसराइल ने गाज़ा में पानी बंद कर दिया था। गाज़ा के लोग पानी की कमी से दो चार हो रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आप अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आसमान से पानी बरसा दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो भी पानी की कमी से जूझ रहे थे, दो चार हो रहे थे, वो सब बारिश का पानी इकट्ठा करने लगे पीने के लिए, क्योंकि इसराइल ने उनका पानी बंद किया हुआ है पूरे गाज़ा का। ये देखकर दोस्तों हम सबको अम्मा हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद आ गई। अल्लाह ताला ने कैसे उनके लिए आबे जमजम का चश्मा जारी किया था। तो इसी तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं। आप सबको भी दुआएं करनी चाहिए गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए। अल्लाह फिलिस्तीन गाज़ा के लोगों की मदद फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और इस वीडियो को लाइक कर दें।